विवादों और इमोशन का विश्व कप, सुरंग में अटकी सांसें, दिल्ली में जहरीली हवा का संकट। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की। क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम का आगाज तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अंजाम तक आते आते कप हाथ से फिसल गया। जिस ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने विश्व कप की शुरुआत की थी, उसी के हाथ फाइनल मुकाबला हार गए। टूर्नामेंट विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहा। फाइनल के बाद इमोशनल दृश्य भी सामने आए। फाइनल में 1983 के विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव को नहीं बुलाने के कारण BCCI, कांग्रेस और प्रशंसकों के निशाने पर रही, तो फाइनल मुकाबले में भारत की हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज मैदान में ही अपने आंसू नहीं रोक पाए। ड्रेसिंग रूम का नजारा भी भावुक करने वाला था। टीम इंडिया के ज्यादातर खिलाड़ी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए, कुछ तो फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल ट्रेविस हेड की 137 रनों की शतकीय और मार्नस लाबुशेन अविजित 58 रनों की अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को ICC विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेट से हराकर छठी बार खिताब पर कब्जा किया। इसके साथ ही भारत का इस विश्व कप में 10 मैचों का विजय रथ रुक गया, जिसकी शुरुआत चेन्नई में भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से जीत से किया था। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सर्वाधिक 765 रन बनाने के साथ विश्व कप इतिहास में एक टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए, जबकि मोहम्मद शमी शुरुआती 4 मैचों में बाहर रहने के बावजूद 24 विकेट चटका कर सबसे सफल गेंदबाज रहे। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। हालांकि यह विश्व कप विवादों से किस कदर भरा रहा, इसकी एक झलक फाइनल में ही दिख गई, जब एक फिलिस्तीन समर्थक मैदान में घुस आया। इसके शर्ट पर फिलिस्तीन में बमबारी बंद करो लिखा था। पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ शतक बनाकर इसे गाजा में रह रहे लोगों को समर्पित किया, जिससे काफी विवाद खड़ा हुआ। इसके अलावा पहली बार इस विश्व कप में 146 क्रिकेट इतिहास में किसी बल्लेबाज को टाइम आउट दिया गया। श्रीलंका के ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज पहले ऐसे ऑलराउंडर बने जो ऐसे दुर्भाग्यशाली तरीके से पवेलियन लूटे। यह विश्व कप ग्लेन मैक्सवेल के नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में लगाए गए रिकॉर्ड शतक से ज्यादा अफगानिस्तान के खिलाफ लगाए गए 128 गेंद में रिकॉर्ड दोहरे शतक के लिए याद किए जाएंगे। मैक्सवेल ने चोटिल होकर भी ऑस्ट्रेलिया को अकेले दम पर हैरत अंग्रेज जीत दिलाई। इस विश्व कप को अगर उलटफेरों का विश्व कप कहे तो गलत नहीं होगा। नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराकर उलटफेर किया, तो अफगानिस्तान ने गत विजेता इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका को धूल चटाई। कुल 5 उलटफेर इस विश्व कप में हुए, जो किसी भी विश्व कप में सबसे ज्यादा है। यह विश्व कप कई खिलाड़ियों का आखिरी विश्व कप रहा। कुछ अहम खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की। क्विंटन डिकॉक ने 4 शतकों के साथ 545 रन बनाकर क्रिकेट को अलविदा कहा। इंग्लैंड के डेविड विली ने संन्यास की घोषणा की। नवीन उल हक भी अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में अब भी 41 जिंदगियों की सांसें अटकी हुई है। दरअसल चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना के तहत निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा रविवार सुबह यानी कि 12 नवंबर को ढह गया था। तब इस टनल में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि ड्रिलिंग के बाद 22 मीटर की दूरी तक सुरंग के मलबे को भेजा जा चुका है। सुरंग में 45 से 60 मीटर तक मलबा जमा है। श्रमिकों को ऑक्सीजन, भोजन और दवाइयां लगातार पहुंचाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सुरंग में फंसे श्रमिकों को जल्द बाहर निकालना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम इस समय एक साथ 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए अस्थायी रास्ता तैयार कर लिया गया है। सिलक्यारा छोर से 60 मीटर की दूरी पर ढहे हुए हिस्से के मलबे के बीच बोरिंग को शुक्रवार दोपहर तक रोक दिया गया था, जब अमेरिका निर्मित ऑगर मशीन को लगभग 22 मीटर के बाद एक कठोर बाधा का सामना करना पड़ा। यह भी कहा जा रहा है कि रोबोट की मदद भी ली जा सकती है। अधिकारियों के मुताबिक सभी श्रमिक ठीक हैं। बीच बीच में श्रमिकों की उनके परिजनों से भी बात कराई जा रही है। सुरंग के पास एक 6 बिस्तरों का अस्थायी चिकित्सालय भी बनाया गया है, ताकि बाहर आने के बाद श्रमिकों का उचित उपचार किया जा सके। मौके पर 10 एम्बुलेंस के साथ कई मेडिकल टीम तैनात है।
दूसरी ओर सिलक्यारा सुरंग हादसे को स्थानीय लोग बाबा बौखनाथ देवता का प्रकोप से जोड़ रहे हैं, जिनके मंदिर को दिवाली से कुछ दिन पहले निर्माण कंपनी ने तोड़ दिया था। मजदूरों को बाहर निकालने के सारे इंतजाम विफल होने पर बुधवार को निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने बौखनाथ देवता के पुजारी को बुलाकर उनसे क्षमा याचना की और पूजा सम्पन्न कराई। पुजारी गणेश प्रसाद बिजलवाण ने सुरंग में पूजा अर्चना की तथा शंख बजाया। बौखनाथ देवता को इलाके का रक्षक माना जाता है। राजधानी दिल्ली और आसपास के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। फिलहाल इससे राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक हवा न चलने और कम तापमान के कारण प्रदूषक तत्व हवा में बने हुए हैं और अगले कुछ दिन तक भी राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में औसत AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी खराब स्थिति में है। कभी कभी यह बहुत गंभीर स्थिति में भी पहुंच जाता है। पड़ोसी गाजियाबाद, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, नोएडा और फरीदाबाद में भी प्रदूषण को लेकर हालात अच्छे नहीं है। हालांकि हवा की अनुकूल गति के कारण वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद क्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना यानी कि GRP के चौथे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने का आदेश दिया गया है। दरअसल 0 से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब, 401 से 450 के बीच गंभीर और 450 से ऊपर अत्यधिक गंभीर माना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा संकलित एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण दिल्ली में लोगों की उम्र लगभग 12 साल कम कर रहा है। अब खबरें संक्षेप में। इम्फाल के आसमान में दिखी संदिग्ध उड़न तस्करी, ढूंढने के लिए भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान राफेल को लगाया गया। डीप फेक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई चिंता, कहा समाज में पैदा हो सकता है बड़ा संकट। कांग्रेस ने कहा 2014 से डीप फेक के मुद्दे को उठा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन वाले साइरस पूनावाला को दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी के बाद हालात स्थिर। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 14 साल की लड़की ने कथित तौर पर खुदकुशी की। पत्र में लिखा, मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।